अंडा दो प्याजा आज बनाएंगे। चलिए आप मेरे साथ देखिए हम कैसे बना रहे। मैं नीता ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब अंडा को हल्का फ्राई कर लेंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का फ्राई हो गया है, हल्का सा फ्राई कर, फ्राई हो गया दोस्तों। उसी तेल में हमने जीरा डाल दे रहे हैं, हाँ, और इसमें हमने दो प्याज लिए हैं, एक चॉपर प्याज है, एक कटिंग है, एक टमाटर है, मिर्चा है, ठीक है, और थोड़ा सा चार पांच लहसुन का ये है इसमें डाल दे रहे हैं। इसमें चॉपर प्याज को डाल दे रहे हैं और मिर्चा को डाल दे रहे हैं। अब इसको देकर हल्का फ्राई करेंगे उसी तेल में, तेल हम लिए नहीं है, और दो चम्मच तेल में हम इसको फ्राई करेंगे। मेरा ये टमाटर ये फ्राई हो गया है। अब इसमें हम टमाटर को डाल दे रहे हैं, जितना टमाटर है उसको डाल दे रहे हैं। टमाटर को डालकर इसको हल्का फ्राई। अब दोस्तों टमाटर प्याज मेरा इतना अच्छा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम क्या क्या मसाला दे रहे हैं देखिए, इसमें हमने इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्चा पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर और अदरक, ये देकर हम अभी मसाला को हल्का फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया, अब इसमें हमने आधा टेबल स्पून नमक डालेंगे और जो चॉपर किया हुआ प्याज जो है उस प्याज को हम इसमें डाल देंगे। अब उस प्याज को डालकर इसको हल्का सा दो सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब दोस्तों अभी हो गया मेरा फ्राई। अब इसमें 25 ग्राम की तरह हमने पानी डाल दिया, पानी डालकर इसको थोड़ा सा उबाल आने पर फिर ये करेंगे, अंडा डालेंगे। मैं हल्का सा थोड़ा पतला टाइप का क्रीम टाइप का है वो हम थोड़ा सा हल्का वो हम इसमें मिला दे रहे हैं और गरम मसाला मिला दे रहे हैं। बस ये मेरा हो गया है। अब इसमें हम अंडा को डाल दे रहे हैं। अंडा को डालकर कुछ देर के लिए, दो मिनट के लिए इसको कर रहे हैं। तो अब गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। दोस्तों मेरा अंडा दो प्याजा आप लोग को कैसा लगा? एकदम हल्का मसाला से आप लोग बनाइए और खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और बताएं, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।